सन 1630 में शिवनेरी के पहाड़ी किले में शाहजी और उनकी पत्नी जीजाबाई के चहेते बेटे का जन्म हुआ, जिनका नाम जीजाबाई ने शिवाजी रखा। उस वक्त ये बात कोई नहीं जानता था कि यही शिवाजी आगे चलकर अपने पिता का सपना पूरा करेगा। ये प्रेरणा उन्हें अपनी माता जीजाबाई से ही मिली थी, जिन्होंने बचपन से ही शिवाजी महाराज को एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य स्थापित करने के लिए प्रेरित किया। 17 साल की उम्र में शिवाजी ने बीजापुर पर पहला हमला किया और तोरना किले पर अपना कब्जा कर लिया। इस खबर से आदिलशाही सल्तनत में अफरा तफरी मच गई। आखिर कौन है ये 17 साल का छोकरा जिसने इतने ताकतवर मुस्लिम साम्राज्य को खुलेआम चुनौती दे दी? और अगले 2 साल के अंदर राजगढ़ और कोंडला किले भी शिवाजी की गिरफ्त में थे और उन्होंने हिंदुस्तान की ताकतों को ललकारना शुरू कर दिया। 30 नवंबर 1659 का सूरज मानो एक शूरवीर की बलि मांगने के लिए ही उगा। एक तरफ अफजल खान अपने कपड़ों में कटार छुपाए बैठा था, तो दूसरी तरफ शिवाजी भी छल का जवाब कपट से देने के लिए तैयार थे। अफजल खान का मकसद था धोखे से शिवाजी पर हमला करना और शिवाजी पलटकर जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। 7 फुट लंबा चौड़ा विशाल आदिलशाही जनरल अफजल खान 5.5 फुट के शिवाजी को गले लगाने आगे बढ़ा। अफजल खान ने शिवाजी को एक जानलेवा गिरफ्त में ले लिया और उन पर अपनी कटार से हमला किया और धोखाधड़ी खुलकर सामने आ गई। लेकिन अफजल खान को ईंट का जवाब पत्थर से मिला। शायद एक शेरबिल का शरीर एक शेर ही चीर सकता था। जंग मर के नहीं मार के जीती जाती है। 1630 से लेके शिवाजी की जब पैदाइश हुई तब से मराठों का इतिहास शुरू हो जाता है। शिवाजी अपने बचपन से ही उनका ध्येय ये था कि एक स्वतंत्र स्वराज्य का निर्माण करे। शिवाजी का नाम इतिहास में यूं ही सुनहरे अक्षरों में नहीं लिया जाता। वो एक वीर योद्धा तो थे ही, साथ ही वो रणनीति में भी दक्ष थे। 3 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी की अकस्मात मृत्यु हुई। लोकगीतों में एक नए शूरवीर का गान होने लगा। लोक गाथाओं में उसकी बहादुरी के किस्से बढ़ा चढ़ा कर सुनाए जाने लगे। आज भी महाराष्ट्र के चप्पे चप्पे में ये कहानी बड़े गर्व से सुनाई जाती है।